बच्चों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ये टर्म जो है, दिस टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ordered triplet has been taken from Cartesian product of three non-empty sets। अब इसको समझने के लिए तीन non-empty set को अगर हम लोग consider करें, suppose करें A is equal to A and B is equal to B and C is equal to C। जब हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे तो हमारे पास जो मेंबर होगा वो होगा A कॉमा बी कॉमा सी। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये ऐसा है ए बी सी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये ऐसा है कि ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन एम्प्टी सेट और उसका जो मेंबर होगा वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा। यहां पर ए बी और सी तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं, तीनों में सिंगलटन सेट है, ये नॉन एम्प्टी है सिंगलटन है। सिंगलटन है इसका मतलब एक ही मेंबर है, ए का भी एक बी का भी एक और सी का भी एक। जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास जो आएगा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ऑर्डर्ड पेयर कब आता है, जब दो सेट रहता है, दो सेट रहेगा तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं तो यहां पर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा। और इस पर अगर एक ही सेट सपोज करें ए इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है ए सपोज करें वन, तो ए क्रॉस ए करेंगे हम लोग, ये क्या आएगा वन कॉमा वन कॉमा वन, सच दैट वन बिलोंग्स टू वन कॉमा वन कॉमा वन बिलोंग्स टू ए। अब एनसीईआरटी में एक इसका बहुत आसान सा सम दिया हुआ है जो कि एक्सरसाइज में है, उसको अगर हम लोग देखने का कोशिश करें ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड वन, बोलता है फाइंड ए क्रॉस ए। अब देखिए यहां पर तीन सेट को, एक तीन सेट का जो कि नॉन एम्प्टी है
उसका एक साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ए है -1, 1 और इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग -1, 1 से। अगर स्टार्ट करें तो इसका जो मेंबर होगा वो होगा ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि दो सेट का हम कर रहे हैं, तो ये होगा 1 से कीजिए -1 फर्स्ट मेंबर, इसका -1 पहला ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद ये होगा -1, 1, -1, 1। उसके बाद देखिए इससे करेंगे क्या होगा, 1, -1, फिर 1 और 1। अब आपने प्रॉपर मेंबर निकाला कि नहीं नहीं निकाला, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी बी के जगह पे ए है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए कितना है, 2, और नंबर ऑफ बी के जगह भी ए ही है तो ये भी हुआ 2, दैट इज कितना मेंबर होगा, 4 मेंबर। यहां पर देखिए ए क्रॉस ए का कितना मेंबर आया हमारे पास, 1, 2, 3, 4 मेंबर आ गया। अब इस ए क्रॉस ए को हम लोग ए क्रॉस ए और फिर से ए के साथ इसका क्रॉस करेंगे, तो ए है आपका, अगर हम यहां पर लिख लें ए को -1, 1। अब निकालें ए क्रॉस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब कितना इसमें मेंबर है, 4 और इसमें कितना, 2, तो इसका ए क्रॉस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू होगा एन ए इंटू एन बी। एन ए मतलब ए क्रॉस ए को माना है, इसमें कितना मेंबर है, 4, इंटू एन बी में कितना मेंबर, 2, कितना मेंबर होना चाहिए, 8 मेंबर होना चाहिए, अभी देखेंगे हम लोग। अब देखिए -1 से करेंगे पहले, ये हो जाएगा पहला मेंबर -1, -1, -1, फिर होगा -1, -1 और सॉरी 1 एंड -1, फिर होगा आपका ये होगा 1, -1, -1, फिर इससे होगा 1, -1, -1, फिर होगा, अब इससे करेंगे ये होगा -1, -1, -1, फिर ये होगा -1, -1, -1, फिर 1, -1, -1, फिर होगा आपका 1, 1, 1। अब देखें हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 ऑर्डर ट्रिपलेट आपका मिल गया, और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में ये सम है, उसका सॉल्यूशन हो गया। और अगला जब उसके एक्सरसाइज के बाकी 5 से लेकर 9 तक का जो सॉल्यूशन मैं दूंगा उसमें ये सम मैं नहीं बनाऊंगा, उसमें इसका सॉल्यूशन यहीं से हो गया। अब अगला बाकी जो सम है उसको मैं अगले वीडियो में तैयार कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।